I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का, दैट इज टाटा सफारी। इसके अंदर हम कुछ की पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि गाड़ी की प्राइसिंग क्या है वेरिएंट वाइज, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो हम ओवरऑल देखने वाले हैं कि जैसी ज़बरदस्त लुक कंपनी ने गाड़ी को दी है, क्या ऐसी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं शोरूम के अंदर और आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो फ्रंट लुक इसका काफ़ी सिमिलर है हैरियर से। अगर हम ऊपर देखते हैं तो DRL दिए हुए हैं, जस्ट लाइक हैरियर। उसके नीचे हम चलते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए। इसके अंदर जेनोन प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं, वाइट कलर के प्रोजेक्टर्स हैं जिनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है नाइट में। अगर हम इसके नीचे चलते हैं तो ये आ गए हैं हमारे पास फॉग लैम्प्स। ये सिंपल हैं, इनके अंदर हैलोजन बल्ब्स लगे हुए हैं, इनके अंदर कोई प्रोजेक्टर नहीं आते। तो कुछ ऐसा है इसका फ्रंट लुक एंड पर्सनली मुझे इसका फ्रंट ग्रिल बहुत अच्छा लगा। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसके अंदर 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड किया है। ये सिर्फ डीजल के अंदर ही आती है। इसका पावर एंड टॉर्क आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कंपनी क्लेम करती है 16.14 KMPL का माइलेज। एक्चुअल माइलेज तो पर्सनली टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर टायर साइज़ की बात करें तो ये मिल जाता है 235/60 R18। तो चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। टॉप पे रूफ रेल्स पर सफारी की बैजिंग मिल जाती है क्रोम लाइन के अंदर। अगर हम हैंडल्स को देखें तो क्रोम मिल जाता है हैंडल्स पर भी। कुछ ऐसा है इसका रियर लुक। ऊपर हाई स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर मिल जाता है, नीचे सफारी की बैजिंग मिल जाती है, LED टेल लैंप्स हैं। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। डोर पैनल कुछ ऐसा है इसका, काफी सुंदर लग रहा है डोर पैनल, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बैठ के देखते हैं। स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स के हैं। फिलहाल चाबी नहीं है, चाबी तो है बट इसकी बैटरी डाउन है एकदम, तो इस वजह से आपको स्पीडोमीटर नहीं दिखा सकते। ये 3 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। हैंडरेस्ट के अंदर कूल्ड भी है प्लस 12 वोल्ट का सॉकेट भी है एंड USB पॉइंट्स भी हैं। सीट्स के हम कंफर्ट देखें तो अच्छा खासा है। यहाँ सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड फुल पैनारोमिक सनरूफ है गाड़ी के अंदर। अच्छी लाइटिंग रहती है इसकी वजह से। पीछे 2 कैप्टन सीट्स एंड लास्ट में आगे का ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है। ये ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है। ये बटन को अगर हम ऊपर कर देते हैं तो हैंड ब्रेक लग जाते हैं एंड नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो हैंड ब्रेक उतर जाते हैं। अंदर बैठ के देखते हैं। ये हो गया अपना AC वेंट, ये ट्विटर्स हो गए, दोनों कैप्टन सीट पर हैंडरेस्ट, पीछे 2 सीट्स हैं एंड अपना AC वेंट भी उनके लिए है एंड AC के कंट्रोल्स भी हैं विद USB चार्जिंग पॉइंट। कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट कंसोल पीछे से देखने पर, काफ़ी प्रीमियम है, कोई इशू नहीं है। बूट स्पेस की तरफ चलें तो सीट्स नीचे बैठ जाती हैं और पूरा का पूरा बूट में कन्वर्ट हो जाता है। पीछे ये AC के कंट्रोल से रखें स्पीड एडजस्ट करने के लिए फैन की। साइड में ये JBL का सिस्टम है, उसका स्पीकर लगा हुआ है। ये कुछ हवा पास करने के लिए स्पेस दिया हुआ है, पूछा था मैंने टाटा वालों से तो उन्होंने यही बताया डीलरशिप में। यहाँ इसकी टूल किट वगैरह रखी हुई है
स्पेयर पार्ट गाड़ी के नीचे ही लगा रहता है इसका। अब ये ऐसे करके हमने इसको पीछे खींचा तो ये हो गया सीट लॉक। तो कर देते हैं बूट को बंद और चलते हैं अब गाड़ी लेकर और चेक करके आपको बताते हैं कि गाड़ी कैसी है चलने में और कैसी परफॉर्मेंस देती है, कैसा इसका पिकअप आ रहा है और कैसा कंफर्ट है। तो चलिए चलते हैं बाहर और टेस्ट ड्राइव लेकर देखते हैं गाड़ी। मैंने यहाँ गाड़ी स्टार्ट तो कर ली है बट मैं गाड़ी को हिला नहीं पा रहा हूँ। ये इसका एक फीचर ही है, अगर इसका हैंड ब्रेक बटन में अगर हमने नीचे की तरफ डाउन किया है तो ये पीछे जाएगी, बट अगर हमने एक बार भी ब्रेक ले लिया तो ये फिर वहीं स्टक हो जाएगी। फिर सेंटर में हमें ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, उसको हैंड ब्रेक को डाउन करना पड़ेगा एंड ऐसा हर बार करना पड़ेगा। इसी वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं रेस दे रहा था, गाड़ी उठ नहीं रही। देखेंगे आप, जंप करे जा रही है बट उठ नहीं रही है। फिर उसने मेरे को लड़के ने बताया डीलरशिप के, तो तब मैंने इसको बैक किया। एंड ये प्रॉब्लम आगे भी आएगी, अभी अगर हमने कहीं मोड़ पे भी या रेड लाइट पे भी गाड़ी को बंद किया है तो अपने आप गाड़ी वहीं जाम हो जाती है। आपको पहले ब्रेक प्रेस करना है, उसके बाद फिर हैंड ब्रेक प्रेस करना है नीचे की तरफ, उसके बाद गाड़ी चहलती है। थोड़ा सा शुरू में इरीटेटिंग लगा बट यही है जो है। म्यूजिक साउंड बढ़ाइए। सीट बेल्ट लगानी होगी क्योंकि ये बीप करती रहेगी। लेगा तो पिकअप करके देखेंगे चेक इसका कैसा आ रहा है। फिलहाल मास्क लगा लेते हैं, अब तो यूपी में भी 1000 का चलान हो गया। अब ये देखिए, ये यहाँ प्रॉब्लम आया मेरे को, ये गाड़ी बंद हो गई है। ये वही इशू है, गाड़ी में मैंने ब्रेक लिया तो ये जाम हो गई वहीं पे। अब मैंने डाउन किया हैंड ब्रेक, दोबारा अपने आप लग जाता हैंड ब्रेक इसका। अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर खींच के देखेंगे। काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल भी इंजन नॉइज़ नहीं आ रहा मेरे को अंदर, बिल्कुल भी ना ही कोई वाइब्रेशन है स्टीयरिंग पर ना गियर नॉब पर। ये सनरूफ खोल दिया, देखिए सनरूफ से बाहर का नज़ारा। और ये मैंने एकदम से पंजा दबाया और ये गाड़ी इतनी तेज भाग रही है, ये डर गया। साले मेरी फाड़ दे तूने। स्पोर्ट्स मोड पे खींची है मैंने गाड़ी और बहुत ही जबरदस्त पिकअप, मजा आ गया बिल्कुल। इतना अच्छा पिकअप पकड़ा है गाड़ी ने और जरा सा भी वाइब्रेशन मुझे स्टीयरिंग पे फील नहीं हुआ। बेहतरीन परफॉर्मेंस गाड़ी का। अब हम इसे थोड़ा सा ऑफ रोड करके देखते हैं कि भाई सस्पेंशन कैसा है। रोड के साइड में हम चेक करते हैं लगा के कैसी ये झटकों पर परफॉर्म करती है। मेरे पास स्कॉर्पियो है पर्सनली, झटकों पे तो वो हिला के रख देती है बिल्कुल। तो हम लोगों को एक चीज़ पर और बात करनी थी कि इस गाड़ी का प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पर डाल रहा हूँ वेरियंट वाइज, आप आराम से देख सकते हैं कि कैसा प्राइसिंग है गाड़ी का ऑन रोड तक आते आते, ठीक है। अगर हम बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो वो है अपना XT एंड XT प्लस। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो XT एंड XT प्लस में सिर्फ सनरूफ का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है XT। फिलहाल शोरूम पर XT वेरिएंट अवेलेबल नहीं था, नहीं तो आपको मैं ज़रूर दिखाता। तो स्पेशल XT वेरिएंट की वीडियो मैं इस चैनल पर ज़रूर लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।